हेलो एंड वेलकम टू दिस लेक्चर। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 12, जिसके अंदर हम पढ़ने वाला है एक्सेप्शन हैंडलिंग। पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने कई सारे ऐसे कंसेप्ट देखे, ठीक है, जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से रिलेटेड थे। आज का एक कंसेप्ट जो है वो टोटली हमारे लिए नया है, एक्सेप्शन हैंडलिंग। ठीक है, माइट भी अगर आपने C++ जैसी लैंग्वेज की होगी तो फिर आपको ख्याल होगा वॉट इज एक्सेप्शन एंड किस तरह से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। चलिए, अगर नहीं भी देखा तो भी कोई बात नहीं, यहाँ पर हम एकदम जीरो से ही देखने वाले हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कंसेप्ट है एक्सेप्शन को हैंडल करना। तो सबसे पहला सवाल, वॉट इज एक्सेप्शन, राइट? एक्सेप्शन आखिरकार होता क्या है? हमारे पास दो चीज़ होती है, एक होता है एक्सेप्शन और दूसरा होता है एरर। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है? अब एरर हम अब तक किसको बोलते थे? फॉर एग्जाम्पल, हमने कोई एक प्रोग्राम किया हुआ है, ठीक है, इसके अंदर बाय मिस्टेक हमने कोई स्पेलिंग मिस्टेक की है, ठीक है, या फिर कोई सिंटेक्स की मिस्टेक की हमने, तो उस तरह की एरर्स को बोला जाता है प्योर एरर्स। ठीक है, वो हमें जावा डायरेक्टली कंपाइल करते वक्त ही बता देती है कि आपकी इस लाइन के अंदर इस वजह से एरर आ रही है, पहले आप उसको सोल्व कीजिए, राइट? जबकि एक्सेप्शन यानी कि क्या? एक्सेप्शन मीन्स हमारा कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं है, ठीक है, हमारी कोई स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं है, प्रोग्राम हमारा कंप्लीट 100% राइट है, लेकिन किसी वजह से हम जब प्रोग्राम को रन करते हैं, ठीक है, तो रन करते वक्त हमारा प्रोग्राम समझ नहीं पाता, मतलब कि हमारा आउटपुट जो इंडेंट होता है वो नहीं दे पाता, ठीक है, किसी ना किसी वजह से। तो उस टाइप के सिनारियों को बोला जाता है एक्सेप्शन। एबनॉर्मल कंडीशन आप कह सकते हो, या कोई नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, एबनॉर्मल कंडीशन होती है, ठीक है, हमारा प्रोग्राम भी 100% राइट था, कहीं पर भी कोई स्पेलिंग मिस्टेक या फिर सिंटेक्स एरर भी नहीं थी, फिर भी हमारा जो कंपाइलर है वो उसको रन नहीं कर पाता, हमारा JVM, ठीक है, हमारा इंटरप्रेटर वो उसको रन नहीं कर पाता किसी ना किसी वजह से, तो उस सिचुएशन को बोला जाता है एक्सेप्शन। हम तो समझ रहे हैं हमारे प्रोग्राम को, बट हमारा कंपाइलर, हमारा जो इंटरप्रेटर है वो समझ नहीं पा रहा, तो इस तरह के एबनॉर्मल कंडीशन को आप बोल सकते हो एक्सेप्शन, ठीक है। दूसरी चीज, सपोज मेरे प्रोग्राम्स के अंदर 10 स्टेटमेंट्स लिखे हुए, कितने 10 स्टेटमेंट्स, ठीक है, तो वहां पर 5 नंबर की जो लाइन थी, 5 नंबर का जो स्टेटमेंट था, वहीं पर किसी ना किसी वजह से कोई एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, तो फिर वहां पर हमारा प्रोग्राम जो है वो हॉल्ट हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, उसके नीचे वाली लाइन को वो स्कैन ही नहीं करेगा, समझ रहे हो? तो मतलब कि हमारा जो नॉर्मल फ्लो था प्रोग्राम का एग्जीक्यूट होने का, उसको इस लाइन ने रोक दिया, 5 नंबर की लाइन ने रोक दिया, क्योंकि उस लाइन में एक्सेप्शन आ गया था, ठीक है, तो जो हमारा प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो होता है उसको वो डिस्टर्ब करता है, ठीक है, तो इसको भी आप बोल सकते हो एक्सेप्शन। क्लियर? तो ये एक्सेप्शन और एरर का दोनों का डिफरेंस है, ठीक है। अब मेनली जावा के अंदर किस तरह के एक्सेप्शन होता है, ठीक है, कितने टाइप्स के एक्सेप्शन होते हैं, वो मैं यहाँ पर आपको फिगर के थ्रू समझा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, एक्सेप्शन के जावा के अंदर मेनली दो टाइप होते हैं, एक होता है चेक्ड एक्सेप्शन, दूसरा होता है अनचेक्ड एक्सेप्शन। बट ओरेकल के थ्रू जावा के अंदर ओवरऑल 3 टाइप्स है, तीसरा जो टाइप है उसको बोला गया है एरर, ठीक है, जो मैंने अभी अभी एरर की बात की किस तरह से आती है, वो वाली एरर नहीं, ये एक एरर क्लास है बिल्ट इन, ठीक है, थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। तो मेनली एक्सेप्शन के अंदर 3 टाइप के एक्सेप्शन आता है, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन एंड देन आफ्टर एरर। क्लियर इतनी चीज, ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लो। तो अब मेन बात आती है कि एक्सेप्शन किस तरह से आता है। देखिए, इन टाइप को हम डिटेल के अंदर थोड़ी देर में पढ़ेंगे, सबसे पहले तो एक्सेप्शन का मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको बता दूं। सपोज मेरे पास 3 वेरिएबल है, ए बी एंड सी। अब ए के अंदर मैंने 5 को स्टोर किया, बी के अंदर 0 को स्टोर किया, और सी के अंदर मैंने दोनों का डिवीजन किया कुछ इस तरह से, सी इज इक्वल टू ए डिवाइड बाय बी। देन आफ्टर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, हमने प्रिंट किया सी को, के तो छोटा सा मैथमेटिकल रिलेटेड प्रोग्राम है हमारा। अब आप सोचिए इसका आउटपुट क्या आएगा। ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक इंटीजर नंबर है जिसको मैंने 0 से डिवाइड किया है। अब मैथमेटिक्स के रूल के मुताबिक किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो आउटपुट क्या आएगा, सोचिए आप। अगेन, कोई भी नंबर है हमारे पास, उसको आप डिवाइड करते हो 0 से, तो मैथ्स के रूल के मुताबिक आउटपुट क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इनफाइनाइट, ठीक है, यही तो हमने मैथ्स के अंदर पढ़ा था। अगर हमारा डिवाइडर जो है वो 0 है तो फिर हमारा आउटपुट इनफाइनाइट आना चाहिए, मतलब कि सी की वैल्यू कितनी हुई, इनफाइनाइट हुई,
तो अगर आप उसको प्रिंट कराना चाहते हो तो क्या हमारा प्रोग्राम इनफाइनाइट लूप के अंदर चला जाएगा क्या? ऐसा भी हो सकता है ना, राइट? तो लेकिन यहाँ पर क्या आता है, और हाँ अभी फिलहाल आप इस वीडियो को पॉज करो, इस सेशन को पॉज करो और अपना जो कैलकुलेटर होता है, फिर वो रियल कैलकुलेटर हो, आपके स्मार्टफोन वाला कैलकुलेटर हो या फिर आपके कंप्यूटर का कैलकुलेटर हो, डजंट मैटर, लेकिन उस कैलकुलेटर के अंदर आप सेम चीज़ यही करो। कोई भी एक नंबर लो, उसको डिवाइड करो 0 से और फिर इक्वल टू को प्रेस करो, देखिए आउटपुट क्या आता है। अभी आपको ये प्रैक्टिकल करना है, देखिए आउटपुट क्या आता है, किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करो। ठीक है, वीडियो को आप पॉज करियो और अभी आप इसको ट्राई करो। ओके, तो आई होप आपने ट्राई किया होगा, आउटपुट आपको मिला होगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0। ठीक है, किसी को मिला होगा कैन नॉट डिवाइड बाय 0, किसी के स्मार्टफोन के अंदर लिखा हुआ आ रहा होगा एरर। ठीक है, किसी के स्मार्टफोन के अंदर कोई और टाइप का मैसेज आ रहा होगा, बट आपका स्मार्टफोन क्रैश नहीं हुआ, आपका स्मार्टफोन इन्फाइनाइट लूप के अंदर नहीं चला गया, आपका कैलकुलेटर इन्फाइनाइट लूप के अंदर नहीं चला गया। ठीक है, ये एक बात नोटिस करनी थी, मैथ्स के मुताबिक तो इसका आउटपुट इन्फाइनाइट आना चाहिए, तो फिर हमारा प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा, लेकिन आपके कैलकुलेटर ने ऐसा नहीं किया, आपके कैलकुलेटर ने आपको एक परफेक्ट मैसेज दिया, राइट, कि भाई कैन नॉट डिवाइड बाय 0 इस तरह से, या फिर एरर। ठीक है, तो वो वहाँ पर उस मैन्युफैक्चरर ने ऑलरेडी इस टाइप के सिनारियो को हैंडल करके रखा हुआ था। हमने फिलहाल अपने प्रोग्राम के अंदर कुछ भी हैंडल नहीं किया, हमने डायरेक्ट किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड किया और उसको सी के अंदर स्टोर करवाना चाहा। ठीक है, अब देखते हैं इस फाइल को कंपाइल करने के बाद हमें आउटपुट क्या मिलता है। देखिए, तो इस सबसे पहले इस फाइल को हम करेंगे कंपाइल, फाइल का नाम हमने रखा है एक्सेप्ट। चलिए हमारी फाइल कंपाइल हो गई, तो देखिए एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन डॉट जावा। ठीक है, जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन 20 नंबर की लाइन के अंदर, मतलब कि यहाँ पर आपको एक एक्सेप्शन बता दिया, देखिए कि आपका जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक एक्सेप्शन अकर हुआ, उस एक्सेप्शन का नाम क्या है, ये रहा जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन। इंटरनेट पर कॉलम करके आपको मैसेज भी बताया गया, डिवीजन बाय 0, देखिए ये आपका मैसेज आया। ठीक है, अब अगर आप इसको कंपाइल करो, सॉरी हमने पहले जावा लिख दिया था, ठीक है मुझे लिखना चाहिए था जावा सी, जावा सी एक्सेप्ट डॉट जावा, कंपाइल किया, तो जैसे ही कंपाइल किया अब हमें फाइल का नाम नहीं मिल रहा क्योंकि हमने छोटी सी स्पेल मिस्टेक की है। कोई बात नहीं, हम अगेन करते हैं कंपाइल, जावा सी एक्सेप्ट डॉट जावा, राइट, ओके चलिए कंपाइल हो गया, देन आफ्टर जावा, और फाइल को कराते हैं रन जावा एक्सेप्ट, तो आप देखिए हमें वही हमारा एरिथमेटिक एक्सेप्शन वाला एक्सेप्शन मिल गया। ठीक है, 20 नंबर की लाइन के अंदर, यानी कि यहाँ, तो यहाँ पर आपको एरर देखने को मिली ना, इस तरह से कोई एक्सेप्शन देखने को मिला कि ये तो पॉसिबल ही नहीं है, जावा के अंदर इस तरह का सिनेरियो बाय डिफॉल्ट हैंडल किया ही नहीं है। जब आपने अपने कैलकुलेटर के अंदर अभी अभी प्रैक्टिकल किया होगा तब आपको मालूम पड़ा होगा, आपको कोई इस तरह का लेंथी लाइन, लेंथी एरर मैसेज देखने को नहीं मिला था, वहाँ पर तो आपको एक परफेक्ट छोटा सा मैसेज देखने को मिला था, कैन नॉट डिवाइड बाय 0 या फिर कोई एरर लिखा हुआ आता था, राइट, लेकिन यहाँ पर देखिए बड़ा सा हमें लेंथी वाला कोई मैसेज देखने को मिला। ठीक है, तो ये हमें हैंडल करना है। अब कोई हमारा नॉर्मल यूज़र होगा, वो हमारा प्रोग्राम या हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा होगा, उसको थोड़ी ना पता चलेगा ये सब क्या है, उसको तो हमें परफेक्ट मैसेज डिस्प्ले कराना होगा, राइट, मतलब कि हमें इस वाला सिनारियो को हैंडल करना होगा। तो ये है एक्सेप्शन का परफेक्ट एग्जाम्पल, हमारी इस 20 नंबर की लाइन के अंदर क्या आ गया, एक्सेप्शन आ गया। ठीक है, हमारा प्रोग्राम तो परफेक्ट सही था, देखिए 100%, कहीं पर भी कोई भी स्पेल मिस्टेक, कोई भी सिंटेक्स एरर नहीं थी, बट हमारा कंपाइलर, हमारा इंटरप्रेटर जो हमारा JVM है, वो इस लाइन को नहीं समझ पाया, इस लाइन को सोल्व नहीं कर पाया, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं है मैथमेटिकली। ठीक है, डिवाइडर अगर आपका 0 हो तो फिर इन्फाइनाइट आता है, तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए 20 नंबर की लाइन तक आते आते आपका जावा प्रोग्राम होल्ट हो गया, स्टॉप हो गया। अब उसके नीचे लिखी हुई जितनी भी लाइन है वो कभी भी रन होने ही नहीं वाली। ठीक है, ये नीचे वाली लाइन कभी भी रन नहीं होने वाली। देखिए मैं एक और यहाँ पर लाइन लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल हेलो जावा। अब देखते हैं, मैंने फाइल को सेव किया, अगेन यहाँ पर कंपाइल एंड देन आफ्टर रन, तो देखिए हमें ओनली 20 लाइन तक ही रन हो गया मिलेगी, 20 लाइन के अंदर हमें जो एक्सेप्शन मिला वो हमें डिस्प्ले हो गया, देन आफ्टर ये 21 और 22 नंबर की लाइन तो कहीं पर आपको एग्जीक्यूट होकर मिलने ही नहीं वाले। ठीक है, तो ये मैंने जैसा कि पहले बताया, जिस लाइन में भी आपको एक्सेप्शन मिलेगा
वहाँ पर आपका प्रोग्राम कम्प्लीटली स्टॉप हो जाएगा, होल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको खास ध्यान में रखनी होगी, क्लियर। चलिए, तो ये तो मैंने बताया किस तरह से एक्सेप्शन आ सकता है, अब मेन बात आप इस टाइप के एक्सेप्शन को किस तरह से हैंडल करोगे, वो भी आपको आना चाहिए, राइट। लेकिन सबसे पहले देखिए एक्सेप्शन आया क्या, वो तो देखिए आप, यहाँ पर इतना बड़ा एक्सेप्शन आया हमारा, इतना बड़ा एरर आया। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप नोटिस करो, हमारे पास एक क्लास देखने को मिल गया, देखिए एरिथमेटिक एक्सेप्शन। हमने ये जो प्रोग्राम करा है, ठीक है, इस प्रोग्राम को करने के बाद हमें 20 नंबर की लाइन के अंदर एक एक्सेप्शन जनरेट होकर मिला। तो वो कौन सा एक्सेप्शन जनरेट हुआ, तो वो एक्सेप्शन का नाम है एरिथमेटिक एक्सेप्शन। ठीक है, ये कौन से पैकेज में से आ रहा है, जावा डॉट लैंग में से। आपको याद होगा स्कैनर क्लास भी हम इंपोर्ट कराते थे, राइट, कौन से पैकेज के अंदर, जावा डॉट यूटिल में से। तो उसी तरह एरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है वो जावा डॉट लैंग नाम के पैकेज में ऑलरेडी है। ठीक है, तो वहां से एरिथमेटिक एक्सेप्शन यहाँ पर अकर हो रहा है। तो ये क्या है, ये चीज़ क्या है, ये एक वन टाइप ऑफ बिल्टिंग क्लास है जो कि एक्सेप्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। हमने अभी भी देखा एक्सेप्शन के तीन टाइप्स होते हैं, चेकड एक्सेप्शन, अनचेकड एक्सेप्शन और एरर। लेकिन टोटल इन सभी के अंदर उसके अलग अलग क्लास होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एरिथमेटिक एक्सेप्शन जो है, ठीक है, वो इन तीनों में से कौन सी कैटेगरी के अंदर आता होगा, तो वो देखिए आप, पहले जावा के हमें बिल्ट इन एक्सेप्शन को पढ़ना होगा। जावा के अंदर कई सारे बिल्ट इन एक्सेप्शन अवेलेबल है, जैसे कि जावा के अंदर कई सारे बिल्ट इन क्लास अवेलेबल है, राइट, सिस्टम क्लास है और भी ऐसे कई सारे क्लास है, स्कैनर क्लास है, बिल्ट इन मैथड्स अवेलेबल है, फॉर एग्जाम्पल प्रिंट एलन, राइट। देन आफ्टर इंटीजर क्लास में से हम पार्स इंट को भी यूज करते थे, तो ये सारी बिल्ट इन मैथड्स है। तो इसी तरह से बिल्ट इन एक्सेप्शन भी है, उसमें से एक एक्सेप्शन कौन सा है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो ऐसे जावा के अंदर टोटल कितने एक्सेप्शन अवेलेबल हो गए, तो ये मैं यहाँ पर आपको एक फिगर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, देखिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। जावा के अंदर इतने सारे एक्सेप्शन बिल्ट इन मौजूद है, ठीक है। सबसे पहला ऊपर जो क्लास है वो है थ्रोएबल, ठीक है, थ्रोएबल जो है वो सबसे ऊपर टॉप मोस्ट रूट क्लास है, या फिर इंटरफेस आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। थ्रोएबल नाम की एक ओरिजिनली इंटरफेस है, और इस इंटरफेस के अंदर दो उसके चाइल्ड क्लास है, एक है एक्सेप्शन क्लास और एक है एरर क्लास। ध्यान दीजिएगा, थ्रोएबल जो है टॉप मोस्ट रूट इंटरफेस है, इंटरफेस के अंदर दो क्लास है, एक है एक्सेप्शन, एक है एरर। एरर के अंदर उसके अगेन तीन चाइल्ड क्लास अवेलेबल है, स्टैक ओवरफ्लो एरर, वर्चुअल मशीन एरर, आउट ऑफ मेमोरी एरर। तो ये जो एरर क्लास है ना यहाँ पर, वो यहाँ पर लिखा हुआ था तीसरी कैटेगरी, देखिए एरर क्लास, ठीक है। तो ये वो सिंटेक्स वाली एरर, स्पेलिंग वाली एरर, उसकी बात मैं नहीं कर रहा था। ये एरर जो है वो बिल्ट इन हमारा क्लास है जो कि थ्रोएबल इंटरफेस का चाइल्ड क्लास है, क्लियर। तो जब भी हमारे प्रोग्राम के अंदर कोई एरर आती है जो कि इन तीनों में से कोई एक हो, तो उसको हम रिजोल्व नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, एरर्स हमारे प्रोग्राम के अंदर अगर यहाँ पर आती है जो कि इन तीनों में से कोई एक हो, फिर चाहे वो स्टैक ओवरफ्लो हो, वर्चुअल मशीन हो, या फिर आउट ऑफ मेमोरी एरर हो, इन तीनों एरर्स को हम कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी रैम के रिलेटेड होती है, हमारे सॉफ्टवेयर के रिलेटेड होती है, ठीक है। ये जेन्यून एरर होती है, स्टैक ओवरफ्लो यानी कि हमारी मैम की जो बफरिंग कैपेसिटी होती है वो फुल होगी, ठीक है। वर्चुअल मशीन यानी कि JVM के अंदर अगर कोई गड़बड़ी होती है तो वो फुल हो गया। आउट ऑफ मेमोरी यानी कि मेमोरी है ही नहीं अवेलेबल, तो कोई नया ऑब्जेक्ट, कोई नया वेरिएबल बन ही नहीं सकता। तो इस तरह की एरर्स जो होती है उसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, बट ये जो एक्सेप्शन है उसको हम ज़रूर सॉल्व कर सकते हैं, उसको ज़रूर हम हैंडल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन देखिए एक्सेप्शन के अंदर भी कई सारे क्लास है, एक्सेप्शन के मेन फोर चाइल्ड क्लास है, कितने, फोर। कौन कौन से, सबसे पहला है IO एक्सेप्शन, देन आफ्टर SQL एक्सेप्शन, उसके बाद क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और उसके बाद रन टाइम एक्सेप्शन। तो ये मेन फोर क्लास अवेलेबल है एक्सेप्शन के अंदर। पहला है IO एक्सेप्शन यानी कि इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन। अब ये वाला एक्सेप्शन कब आएगा, जब इन फ्यूचर आप जावा की मदद से डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी बनाओगे या फिर फाइल हैंडलिंग के साथ कनेक्टिविटी बनाओगे, तो कोई उस फाइल में से आप डेटा रीड करने की ट्राई करोगे जो कि फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो तब जाकर आपको इस तरह की एक्सेप्शन मिलेगी, IO एक्सेप्शन। उस तरह है SQL एक्सेप्शन, जब आप डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करोगे आप जावा की, ठीक है, तब आप SQL की क्वेरीज वहां पर लिखोगे। SQL का क्या है, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है, वो इन फ्यूचर आपको ऑलरेडी कॉलेज के अंदर सब्जेक्ट आएगा, वहां पर आप मालूम पड़ जाएगा व्हाट इज SQL। तो उसके साथ अगर जावा की कनेक्टिविटी आप क्रिएट करोगे और कोई SQL की एरर आ गई, तो फिर SQL एक्सेप्शन जैसा एक्सेप्शन आपको अकर होकर मिलेगा।
देन आफ्टर है क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है, तो इसको भी मैं डिटेल के अंदर बताऊंगा नेक्स्ट चैप्टर के अंदर या फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर। फिलहाल जो हमारा मेन कंसर्न है वो है रन टाइम एक्सेप्शन। रन टाइम एक्सेप्शन इसके अंदर अगेन आपको चार चाइल्ड क्लास मिलेंगे। रन टाइम के अंदर आता है एरिथमेटिक एक्सेप्शन, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन। और अगेन इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स के अंदर भी दो चाइल्ड क्लास आते हैं। देखिए एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, उसी तरह स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ठीक है। तो अभी इस पूरे फिगर का आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, परफेक्टली। तो आज के सेशन के अंदर हम मेनली कंसर्न करने वाले हैं रन टाइम एक्सेप्शन, ठीक है। ये सब एक्सेप्शन आपको कभी भी आएंगे भी नहीं, ठीक है, बहुत ही रेयर केस के अंदर ये सब आएंगे। हमारे जो सिलेबस है उसके अंदर हमें कवर करना है रन टाइम एक्सेप्शन और क्लास नोट फाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। तो ये सब आपको हैंडल करना परफेक्टली आना चाहिए। लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी चीज़, कौन सा एक्सेप्शन कब अकर होगा वो भी तो आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एक्सेप्शन अकर करोगे तभी तो उसको हैंडल कर सकोगे। देखिए हमने अभी भी एक एक्सेप्शन अकर किया ना, एरिथमेटिक एक्सेप्शन, तो ये वाला एक्सेप्शन कब अकर होगा, जब आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करोगे तभी, तो तभी आपको एरिथमेटिक एक्सेप्शन अकर होकर मिलेगा। और ये एरिथमेटिक एक्सेप्शन इस पूरी हायरार्की के अंदर यहाँ पर है, देखिए, ठीक है, थ्रोएबल इंटरफेस, उसके अंदर एक्सेप्शन, उसके अंदर रन टाइम एक्सेप्शन और उसके अंदर एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो एरिथमेटिक एक्सेप्शन यहां से आया है, क्लियर, ओके। अब ये चीज तो आपको क्लियर होगी कौन सा क्लास कहां से आ रहा है, बट अब चेकड एक्सेप्शन क्या है, अनचेकड एक्सेप्शन क्या है, ये तो हमारी मेन कैटेगरी थी, राइट। तो चेकड एक्सेप्शन यानी कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन जो आता है वो, अगेन चेकड एक्सेप्शन यानी कि कंपाइल करते वक्त जो एक्सेप्शन अकर होते हैं उसको बोला जाता है चेकड एक्सेप्शन। चेकड एक्सेप्शन के अंदर कौन कौन सा आता है, जो कि डायरेक्टली थ्रोएबल क्लास में से इनहेरिट होकर आए वो, अगेन चेकड एक्सेप्शन यानी कि कौन सा एक्सेप्शन जो कि डायरेक्टली थ्रोएबल इंटरफेस में से इनहेरिट आ गए वो, यानी कि पूरा एक्सेप्शन क्लास एक्सेप्ट रन टाइम एक्सेप्शन और पूरा एरर क्लास, ये पूरा एरर क्लास चेकड एक्सेप्शन के अंदर आता है। एक्सेप्शन क्लास के अंदर ये पहले तीन क्लास आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन एंड क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये तीनों के तीन भी चेकड एक्सेप्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। तो आप फिलहाल अपनी नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा, चेकड एक्सेप्शन यानी कि कंपाइल टाइम एक्सेप्शन और उसके अंदर कौन कौन से क्लासेस आते हैं, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, आईओ एक्सेप्शन, एसक्यूएल एक्सेप्शन, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, ये सिर्फ तीन ही है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और एरर क्लास के अंदर जो तीनों है वो सभी के सभी, ठीक है, तीनों तीन। तो आईओ, एसक्यूएल, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, उसी तरह यहाँ पर स्टैक ओवरफ्लो, वर्चुअल मशीन और आउट ऑफ मेमोरी एरर। तो ये टोटल सिक्स क्लास जो है वो आते हैं चेकड एक्सेप्शन की कैटेगरी में, और बाकी बचे रन टाइम एक्सेप्शन वो आते हैं अनचेकड एक्सेप्शन के कैटेगरी में। अनचेकड एक्सेप्शन यानी कि रन टाइम एक्सेप्शंस, अगेन अनचेकड एक्सेप्शंस यानी कि रन टाइम एक्सेप्शंस। तो रन टाइम एक्सेप्शंस के अंदर आते हैं एरिथमेटिक, नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट और इंडेक्स ऑफ बाउंड्स एक्सेप्शन, ये सभी क्लासेस, ठीक है। तो रन टाइम एक्सेप्शंस क्लास यानी कि अनचेकड एक्सेप्शंस, क्लियर, ओके। तो चलिए अब हमें मालूम चल गया है कि किस तरह से हम एरिथमेटिक एक्सेप्शन को अकर कर सकते हैं, जो कि डिवाइडर को जीरो बना दो तो ऑटोमेटिक वो अकर हो जाएगा एरिथमेटिक एक्सेप्शन। बट मेन जरूरी चीज, अगर इस तरह का एक्सेप्शन अगर अकर होता है, ठीक है, तो आप किस तरह से उसको हैंडल कर सकोगे। तो हैंडल करने के लिए हमारे पास दो नई चीजें, ट्राई और कैच, ध्यान दीजिएगा, एक है हमारे पास ट्राई और एक है कैच, ये दोनों ब्लॉक्स है। क्या है ब्लॉक्स, ब्लॉक्स यानी कि इस तरह के कर्ली ब्रैकेट वाले ब्लॉक्स, ठीक है। इसके अंदर आप जो भी लिखोगे वो आपका ब्लॉक ऑफ कोड हो गया। तो अब हमारे यूज करना है ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक। अब ट्राई ब्लॉक को आप किस तरह से यूज करोगे और कैच ब्लॉक को किस तरह से यूज करोगे, तो ध्यान से सुनना। ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको वो वाला कोडिंग लिखना है जिसके अंदर माइट बी पॉसिबिलिटीज है कि एक्सेप्शन आ सकता है, आप गारंटी नहीं दे सकते, ठीक है, कि मेरे कोड के अंदर एक्सेप्शन आएगा या नहीं आएगा मुझे नहीं मालूम। बट अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि मेरे कोड के अंदर एक्सेप्शन अकर हो सकता है, तो उस वाले कोड को आपको लिखना है ट्राई ब्लॉक के अंदर, ठीक है, और उसका सॉल्यूशन आपको लिखना है कैच ब्लॉक के अंदर। ध्यान दीजिएगा, ट्राई ब्लॉक के अंदर आपको कौन सा वाला कोड लिखना है, जिस कोड की मदद से माइट बी पॉसिबिलिटीज है कि एक्सेप्शन अकर हो सकता है, वो वाला कोड आपको लिखना है ट्राई ब्लॉक के अंदर, और उसका सॉल्यूशन आपको लिखना है कैच ब्लॉक के अंदर।
जब आपने अभी भी कैलकुलेटर के अंदर प्रैक्टिकल किया था, ठीक है, किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड किया था, तब आपको कोई सॉल्यूशन मिला था ना, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, तो वो आपका सॉल्यूशन था, तो वो सॉल्यूशन आप लिखोगे कैच ब्लॉक के अंदर। ठीक है, फिलहाल हमें क्या मिल रहा है यहाँ पर, पूरा एक्सेप्शन मिल रहा है, एरर मिल रहा है, राइट। तो इसका सॉल्यूशन जो है, यानी कि हम यूजर को इस तरह का कोई मैसेज दिखाना नहीं चाहते, ठीक है, यूजर को इस मैसेज के अंदर कोई भी मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है, वो इसको पढ़ भी नहीं पाएगा, हमें उसका सॉल्यूशन देना है कि भैया आप कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड नहीं कर सकते, तो वो सॉल्यूशन हम कहाँ पर देंगे, कैच ब्लॉक के अंदर, क्लियर। चलिए तो अब हम यूज करेंगे ट्राई और कैच को, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर लिखना है ट्राई ब्लॉक, तो ध्यान दीजिएगा मैंने अभी भी बोला हमें कौन सा वाला कोड ट्राई ब्लॉक के अंदर लिखना है, जिस कोड की मदद से एक्सेप्शन अकर हो सकता है वो वाला कोड, ठीक है। तो हमें क्लियर कट मालूम है ना कि 20 नंबर की जो लाइन है वहीं पर वो हमारा एक्सेप्शन अकर हो रहा है फिलहाल, तो इस 20 नंबर की लाइन को हमें लिखना है किसके अंदर, ट्राई ब्लॉक के अंदर। तो मुझे कुछ इस तरह से ट्राई ब्लॉक को बनाना है, देखिए ट्राई लिखना है एंड देन आफ्टर पेयर ऑफ कर्ली ब्रैकेट्स, ठीक है, तो इस ब्लॉक के अंदर मुझे मेरी लाइंस यहाँ पर रख देनी है, दैट्स ऑल, क्लियर। तो अकेला ट्राई कभी भी नहीं चलेगा, उसके बाद कंपलसरी आपको कैच ब्लॉक लिखना ही होगा, जैसे कि इफ के बाद हम एल्स लिखते थे, राइट। हाँ, वहां पर अकेला इफ ब्लॉक चलता था, एल्स तो ऑप्शनल पार्ट था, लेकिन यहां पर कंपलसरी ट्राई और कैच की पेयर आनी ही चाहिए, अदरवाइज एरर मिलेगी। ट्राई जैसे ही आएगा उसके बाद कंपलसरी कैच ब्लॉक आपको लिखना ही है, ध्यान दीजिएगा, क्लियर। तो इस कैच के अंदर आपको लिखना है अपना सॉल्यूशन, ठीक है, आपको सॉल्यूशन लिखना है, आप जो भी मैसेज प्रिंट कराना चाहते हो वो। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन एंड देन आफ्टर, सपोज मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो कि अभी भी आपके कैलकुलेटर के अंदर माइट भी आया होगा मैसेज कि भाई कैन नॉट डिवाइडेड बाय जीरो, ठीक है, ऐसा मैंने कुछ मैसेज लिख दिया, तो ये मेरा सॉल्यूशन हो गया। लेकिन इस वाली लाइन का हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या बता रहे हैं आप, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन सी, सी को आप प्रिंट करो, लेकिन अगर ये लाइन सोल्व हो जाएगी तब ये वाली लाइन प्रिंट होगी ना, अदरवाइज तो नहीं होगी, ठीक है। अगर फिलहाल हमारे इस पूरे कोड को हम रन करेंगे तो हमने क्या कहा जावा को कि भैया तुम्हें ये चीज़ ट्राई करनी है, तुम्हें ये चीज़ सोल्व करने की ट्राई करनी है। कौन सी चीज़ सोल्व करने की ट्राई करनी है, कि किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करो तो उसका आउटपुट जो भी आए उसको सी के अंदर मुझे असाइन करना है, ठीक है, ये लाइन मुझे सोल्व करनी है, ट्राई करनी है जावा को, तो आपने उसको लिख दिया ट्राई के अंदर। अगर ये लाइन किसी वजह से सोल्व नहीं हो पाती तो फिर आपका प्रोग्राम का फ्लो डायरेक्टली कैच ब्लॉक को रन कर देगा, ध्यान दीजिएगा, डायरेक्टली कैच ब्लॉक को रन कर देगा कि भाई कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो, तो फिर ये वाली लाइन कहाँ पर आई, ये तो रन ही नहीं होगी ना। माइट बी, सोचिए जरा, माइट बी अगर ये वाला ब्लॉक अगर आपका सोल्व नहीं हो पाया, यानी कि सी के अंदर वैल्यू असाइन नहीं हो पाई, तो क्या आपका ये जावा सी को प्रिंट कर सकेगी, नहीं ना, यहाँ पर एरर आएगी। तो इसका सॉल्यूशन का मैं इस वाली लाइन को यहाँ पर निकाल देता हूँ और ट्राई के अंदर लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, ट्राई के अंदर मैंने क्यों लिया, अगर मेरी सी की वैल्यू सोल्व हो जाती है तो ही मुझे सी को प्रिंट करना है ना, अदरवाइज नहीं, तो इसलिए मैंने इस दोनों लाइन को किसके अंदर लिख दिया, ट्राई के अंदर लिख दिया। हमने JVM को बोला कि तुम्हें पहले इस वाली लाइन को सोल्व करना है और अगर सोल्व हो जाती है तो तुम्हें इस वाली लाइन को प्रिंट करना है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर ये सोल्व नहीं हो गई, यानी कि इस लाइन के अंदर एक्सेप्शन आया, तो फिर ये वाली लाइन तो चलने ही नहीं वाली, ठीक है, हमने अभी भी देखा था, ठीक है। तो अगर इस वाली लाइन के अंदर एक्सेप्शन आया तो आपका प्रोग्राम का फ्लो डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा, कहाँ पर, यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर, यानी कि आपका कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा, क्लियर, ओके। चले तो अब आपको समझ में आ गया होगा ट्राई ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ लिखनी है, कैच ब्लॉक के अंदर क्या चीज़ लिखनी है और कौन सा ब्लॉक कब रन होगा, ठीक है। अगेन मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ सभी चीज़, हमारा प्रोग्राम का फ्लो हम सभी को मालूम है टॉप टू डाउन अप्रोच के अंदर चलता है, राइट। तो यहाँ पर चलते चलते उसको मिला ट्राई ब्लॉक, यानी कि जावा को आपने ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया कि भैया तुम्हें इस दोनों लाइन को सॉल्व करने की ट्राई करनी है, ठीक है, एक्सेप्शन आए या ना आए वो डजंट मैटर, बट तुम्हें सिर्फ ट्राई करनी है पहले। तो जावा ने ये वाली लाइन पढ़ी, ऑब्वियसली पॉसिबल ही नहीं है डिवाइड बाय जीरो, तो यहाँ पर एक्सेप्शन आ गया, तो जैसे ही एक्सेप्शन आ गया आपका प्रोग्राम का फ्लो चला जाएगा कहाँ पर, कैच ब्लॉक के अंदर, और ये वाला ब्लॉक रन कर देगा, क्लियर। हाँ, अगर यहाँ पर कोई भी चीज़ एरर नहीं आई, यानी कि सी की वैल्यू रिजोल्व हो गई, तो फिर नेक्स्ट वाली लाइन चलेगी, अदरवाइज ये वाली लाइन कभी भी नहीं चलेगी, क्लियर, ओके। चलिए अब कैच ब्लॉक के अंदर आपको यहाँ पर कुछ लिखना है, आपने नोटिस किया होगा कैच के बाद में पैरेंथेसिस है, देखिए ट्राई के बगल में हमें कुछ भी नहीं लिखना,
ट्राई सिंपल इसी तरह से ब्लॉक बनाना है, लेकिन कैच के अंदर आपको यहाँ पर कुछ पैरेंथेसिस लगाने हैं और यहाँ पर कुछ लिखना है। क्या लिखना है? आपको जावा को बताना होगा कि इस वाली लाइन में जो एक्सेप्शन आ रहा है ना, वो कौन से क्लास का एक्सेप्शन आ रहा है। फिलहाल तो हमें मालूम है ना कि एरिथमेटिक एक्सेप्शन आ रहा है, तो उस क्लास का नेम आपको यहाँ पर लिखना है कैच के अंदर। ध्यान दीजिएगा, जो भी जिस भी टाइप का एक्सेप्शन यहाँ पे अक्कर हो रहा है, उस टाइप का क्लास का नेम आपको यहाँ पर कैच ब्लॉक के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, फिलहाल हमारे पास कौन सा एक्सेप्शन अक्कर होकर आ रहा है? एरिथमेटिक एक्सेप्शन। देखिए यहाँ पर आप देख भी सकते हो, ठीक है, एरिथमेटिक एक्सेप्शन। तो इस एरिथमेटिक एक्सेप्शन को आपको यहाँ पर इस तरह से नोट करना होगा। आपने जावा को बोला कि मुझे कैच करना है, कौन सा वाला एक्सेप्शन कैच करना है? एरिथमेटिक एक्सेप्शन कैच करना है। ठीक है, अगेन सिंटैक्स को ध्यान से समझिएगा कि अगर मेरी इस लाइन में कोई भी एक्सेप्शन आ रहा है और वो एक्सेप्शन अगर अक्कर हुआ, जनरेट हुआ, वो एरिथमेटिक एक्सेप्शन अगर हुआ, यहाँ पर मैच हुआ, तो ही मैं इस वाले कैच ब्लॉक को रन करूँगा, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर आप कंपेरिजन बोल सकते हो, ठीक है, कि यहाँ पर से अक्कर हुआ एक्सेप्शन इसी नाम के बराबर है तो भी ये आपका कैच ब्लॉक रन होगा, अदरवाइज ये रन नहीं होगा। क्लियर? और यहाँ पर एरिथमेटिक एक्सेप्शन को लिखने के बाद आपको उसका एक वेरिएबल क्रिएट करना होगा या फिर ऑब्जेक्ट क्रिएट करना होगा। इसका नाम आप कुछ भी रख सकते हो, फॉर एग्जाम्पल ई। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें इंटीजर का वेरिएबल बनाया था ना ए, उसी तरह से एरिथमेटिक एक्सेप्शन एक बिल्टिंग क्लास है, तो उस क्लास का भी मैंने ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, इस क्लास का रेफरेंस मैंने किसके अंदर सेव किया? ई के अंदर। ठीक है, थोड़ी देर में आपको मालूम चल जाएगा ई मैंने यहाँ पर क्यों लिखा। आप चाहो तो कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वॉट एवर, बट इसका यूसेज क्या थोड़ी ही देर में आपको पता चल जाएगा। ओके, तो चलिए अब हमारा सिंटेक्स 100% कंप्लीट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और यहाँ पर फिर से हम यहाँ पर करेंगे कंपाइल एंड देन आफ्टर रन। अब ध्यान से देखिएगा, जैसे ही मैंने फाइल को रन किया क्या हो रहा है। देखिए अब यूजर को परफेक्ट मैसेज मिल गया, कैन नॉट डिवाइड बाय जीरो। ठीक है, अब वो बड़ा वाला 2 से 3 लाइन वाला मैसेज जो आ रहा था एक्सेप्शन वाला, वो पूरा निकल गया। क्यों? क्योंकि आपने उसको हैंडल कर लिया कैच ब्लॉक की मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या, जो मैं कब से बोल रहा था वही हुआ ना। इस लाइन के अंदर अगर एक्सेप्शन आएगा और अगर वो यहाँ पर कैच के साथ मैच हो जाएगा, कंपेयर हो जाएगा, तो फिर आपका कैच ब्लॉक रन हो जाएगा, सिंपल। अगर यहाँ पर एक्सेप्शन नहीं आया तो फिर आपकी सी की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, सपोज चलिए देखते हैं, मैं यहाँ पर बी की वैल्यू करता हूँ 2, तो अगर आपने 5 को 2 से डिवाइड किया तो क्या एक्सेप्शन आएगा? ऑब्वियसली नहीं आएगा, तो फिर सी की वैल्यू रिजोल्व हो गई और सी की वैल्यू प्रिंट भी हो गई। ठीक है, चलिए देखते हैं, सेव किया मैंने, अगेन कंपाइल एंड रन, तो देखिए आपका आउटपुट मिल गया 2। ठीक है, तो अब आपका कैच ब्लॉक रन नहीं होगा। कैच ब्लॉक कब रन होगा? जब ट्राई ब्लॉक में से कोई भी एक्सेप्शन अक्कर होगा तभी रन होगा, अदरवाइज कैच ब्लॉक आपका कभी भी रन नहीं होने वाला। क्लियर? चलिए अगेन मैं यहाँ पर कर देता हूँ 0, फिर से सेव, कंपाइल एंड रन, तो आगे अगेन कैन नॉट डिवाइड बाय 0। क्लियर? चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पर हमने ई को क्यों लिखा। अगर आप अपना कोई परफेक्ट मैसेज प्रिंट नहीं करवाना चाहते तो आप डायरेक्टली ई को भी प्रिंट करवा सकते हो। ई क्या था? तो कि यहाँ पर जो भी टाइप का एक्सेप्शन अक्कर हो रहा है, ठीक है, वो एरिथमेटिक है फिलहाल, तो उस एरिथमेटिक एक्सेप्शन की जो लाइन आपको यहाँ पर मिल रही थी ना 2 से 3 लाइन की, एकदम इनिशियल वाली एरर्स, वो पूरी की पूरी एरर आपकी ई के अंदर स्टोर हो गई। तो अगर आपको वही लाइन, यानी कि वही जो सबसे पहले एक्सेप्शन वाली एरर्स दिखाई दे रही थी, अगर वही सेम टू सेम प्रिंट करानी है तो आप यूज कर सकते हो ई को। ठीक है, चलिए सेव किया हमने, कंपाइल एंड आफ्टर रन, तो देखिए पूरी वो लाइन आ गई जो कि आपको इनिशियली एक्सेप्शन के दौरान मिलती थी, वो जावा डॉट लैंग डॉट एरिथमेटिक एक्सेप्शन एंड देन आफ्टर डिवाइड बाय 0। ठीक है, ये पूरी की पूरी लाइन आपको पहले मिलती थी जब हमने हैंडल नहीं किया था तब, लेकिन वो जो जनरल आपका कॉजिंग एरर था, ठीक है, एक्सेप्शन अक्कर क्यों हुआ, तो वहाँ पर ये वाली आपकी लाइन जो मिलती थी ना, वो लाइन आपने पूरी की पूरी सेव कर दी, कहाँ पर? ई के अंदर। ठीक है, कई लोग यहाँ पर ई नाम रखते हैं, कई लोग यहाँ पर ई आर आर रखते हैं, आप वॉट एवर कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, चलिए सपोज मैंने यहाँ पर ई आर आर रखा, अगेन कंपाइल एंड देन रन, तो आपको सेम वही वाली लाइन मिलेगी। ठीक है, आपको यहाँ पर 2 चीज़ मिल रही है, एक तो कौन सा क्लास वो मिल रहा है और कौन सा रीज़न, ये वाला एक्सेप्शन जो आया उसका रीज़न क्या था, तो क्या आपने डिवाइड करने की ट्राई की 0 से, इसलिए। तो अगर आपको ये लाइन नहीं चाहिए, ये क्लास नहीं चाहिए, आपको सिर्फ ये मैसेज चाहिए, आपको सिर्फ ये रीज़न चाहिए
कि किस वजह से मुझे एक्सेप्शन मिला, तो ये रीजन जो है ना इसको मैसेज बोला जाता है। ये कॉलन की लेफ्ट वाली साइड को बोला जाता है क्लास, कॉलन की राइट वाली साइड को बोला जाता है मैसेज। तो आपको सिर्फ ये मैसेज ही प्रिंट कराना हो तो आप क्या करेंगे, तो देखिए ERR जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, मैंने अभी भी बोला था एरिथमेटिक एक्सेप्शन का हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और उस ऑब्जेक्ट की मदद से आप कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो, राइट। ऑब्जेक्ट की मदद से हम जैसे ही डॉट करेंगे तो आप कोई भी मेथड कॉल कर सकते हो ना, राइट, जो कि इस क्लास के अंदर मौजूद है। ये हमारा बिल्टिंग क्लास है तो इसके अंदर कई सारे मेथड्स अवेलेबल है, उसमें से एक मेथड है गेट मैसेज, तो वो आप यहाँ पर कॉल कर सकते हो गेट मैसेज कुछ इस तरह से। अब ये वाली मेथड आप यूज करोगे तो वो आपको क्या देगा, डिवाइड बाय जीरो, ये जो मैसेज मैंने सिलेक्ट किया हुआ है ना वही देगा आपको। देखिए अगेन मैंने यहाँ पर कंपाइल किया एंड देन आफ्टर रन, तो अब आपको वो जो क्लास का नेम मिल रहा था वो नहीं मिल रहा, बट ओनली एंड ओनली मैसेज ही मिल रहा है, राइट, डिवाइड बाय जीरो। तो इस तरह से आप कोई भी एक्सेप्शन अगर अकर हो रहा है तो उसका सिर्फ और सिर्फ आपको मैसेज ही चाहिए, तो फिर आप निकाल सकते हो ERR डॉट गेट मैसेज की मदद से। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर नाम आप कुछ भी लिख सकते हो ऑब्जेक्ट का, ठीक है। अगेन मैंने कन्वर्ट कर दिया ई के अंदर, तो ये भी वैलिड ही है। चलिए अगेन कंपाइल एंड रन, तो फिर से आपको मिल रहा है डिवाइड बाय जीरो। ओके, तो इस तरह से आप कोई भी एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हो विथ यूजिंग ट्राई एंड कैच, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ट्राई के अंदर आपको कौन सा वाला कोड लिखना है, जिस कोड की मदद से माइट बी पॉसिबिलिटीज है कि एक्सेप्शन आ सकता है, बस वही वाला कोड आपको लिखना है ट्राई के अंदर। और कैच के अंदर आपको लिखना है उसका सॉल्यूशन, अगर इस लाइन के अंदर मुझे एक्सेप्शन मिलता है तो उसका सॉल्यूशन मुझे यूजर को क्या रिप्रेजेंट करना है, वो आपको कहां पर लिखना है, कैच ब्लॉक के अंदर, दैट्स ऑल, ठीक है। इफ एल्स की तरह ही है, यहां पर ट्राई मतलब कि आपने जावा को बोला कि मुझे ये वाला कोड सोल्व करने की ट्राई करके दो, ठीक है, ट्राई करो इसको पूरा का पूरा सोल्व करके दो मुझे, अगर सोल्व नहीं हो रहा तो फिर तुम कैच ब्लॉक को रन कर दो, अदरवाइज नहीं, ठीक है। अगर ये सोल्व हो गया तो फिर मुझे कैच ब्लॉक को रन नहीं करना, क्लियर। तो सिंटेक्स खास ध्यान दीजिएगा, कैच ब्लॉक के पैरेंथेसिस के अंदर ऊपर ट्राई ब्लॉक के दौरान जो भी एक्सेप्शन अकर हो रहा है उस एक्सेप्शन को आपको पकड़ना होगा, कैच करना होगा, कौन सा वाला एक्सेप्शन अकर कर हो रहा है यहाँ पर, उस क्लास का नेम यहाँ पर लिख दो, देन आफ्टर उसका रेफरेंस आप कैच करा लो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, एंड देन आफ्टर कैच के अंदर आप उस मैसेज को प्रिंट करवा सकते हो गेट मैसेज के थ्रू, या फिर पूरी की पूरी लाइन अगर प्रिंट करवाना चाहते हो विथ क्लास नेम तो आप सिर्फ और सिर्फ इको प्रिंट कर लो, ठीक है, या फिर आप अपना कस्टम मैसेज भी यहाँ पर लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हमने पहले लिखा था कैन नॉट डिवाइड बाई जीरो इस तरह से, क्लियर। तो इस तरह से आप कोई भी एक्सेप्शन जो है उसको हैंडल कर सकते हो। ओके, चलिए इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये है आपका परफेक्ट ट्राई और कैच का मैकेनिज्म, ट्राई ब्लॉक और कैच ब्लॉक वेरी नेसेसरी फॉर एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है। चलिए तो आज के सेशन के अंदर हम सिर्फ इतना रखते हैं, नेक्स्ट सेशन के अंदर हम बात करेंगे बाकी के एक्सेप्शन की, ठीक है। रन टाइम एक्सेप्शन को हमें कंप्लीटली देख लेना है, उसमें से हमने सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सेप्शन को देखा कि किस तरह से अकर किया जाता है, किस तरह से हैंडल किया जाता है। बाकी बचे क्लास यानी कि नल पॉइंटर, नंबर फॉर्मेट, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड्स और क्लास नॉट फाउंड, ठीक है, इन सभी को हमें डिटेल के अंदर देखना है और देखना है कि किस तरह से अकर किया जाता है और हैंडल किया जाता है, ठीक है, वो देख लेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। देन आफ्टर फाइनली थ्रो एंड थ्रोस कीवर्ड को पढ़ेंगे, उसके बाद कस्टम एक्सेप्शन यानी कि हमारा खुद का एक्सेप्शन किस तरह से बनाया जाता है वो भी देखेंगे। जावा के बिल्ट इन एक्सेप्शन तो ये रहे, ठीक है, ये मैंने फिगर के थ्रू बताया, ये सभी तो बिल्ट इन एक्सेप्शन है ना, क्या आपके नाम का कोई एक्सेप्शन यहाँ पर मौजूद है क्या, फॉर एग्जाम्पल राहुल एक्सेप्शन नहीं है ना, ओके। तो इस तरह का आपको कस्टम एक्सेप्शन अगर बनाना हो तो वो भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो जावा के अंदर, तो ये सब हम फ्यूचर सेशंस के अंदर देखेंगे, ठीक है। फिलहाल आपको एक कंप्लीट याद रखना है जावा के तीन टाइप्स है एक्सेप्शन के, चेक्ड एक्सेप्शन, अनचेक्ड एक्सेप्शन और एरर एक्सेप्शन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, चेक्ड एक्सेप्शन यानी कि कौन कौन से, जो कि डायरेक्टली इनहेरिट होकर आए हैं थ्रोएबल इंटरफेस में से, फॉर एग्जाम्पल IO, SQL एंड क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन, और तीनों के तीन एरर एक्सेप्शंस, ठीक है। अनचेक्ड एक्सेप्शन कौन कौन से है, तो कि पूरा का पूरा रन टाइम एक्सेप्शन, ये सभी कौन से कैटेगरीज के अंदर आता है अनचेक्ड एक्सेप्शन, ठीक है। और एरर, तो एरर यहाँ पर है ये तीनों के तीन, क्लियर। तो इस तरह से आपको इस पूरे क्लास का हायरार्की याद रखना है, थ्रोएबल इंटरफेस है, बाकी सभी क्लासेस है, ठीक है। चलिए तो अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर और हम बात करेंगे बाकी बचे बिल्ट इन एक्सेप्शंस और कस्टम एक्सेप्शंस के बारे में।
क्लियर।